लेखपाल पिटाई प्रकरण भदोही जिले में बढ़ता जा रहा है। साथ ही लेखपालों ने पुलिस विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस कर्मियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग पर भदोही जिले के लेखपाल अब अड़ गए हैं। लेखपाल संघ अब आर पार की लड़ाई का मोड़ बना चुका है। लेखपाल की पिटाई प्रकरण के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय पहुंचे लेखपालों ने डीएम कार्यालय के सामने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लेखपालों ने पहले ज्ञानपुर तहसील सभागार में बैठक की, उसके बाद आक्रोशित लेखपाल जिला मुख्यालय ज्ञानपुर सरपताह पहुंचे, जहां डीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है और दुर्गागंज के दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। दुर्गागंज पुलिस एक मामले में जांच पड़ताल के लिए दमगड़ा शेरपुर गोपलाहा गई हुई थी। पूछताछ के लिए गई पुलिस सादे वर्दी में थी, जहां पूछताछ करने वाले से पुलिस की कहा सुनी शुरू हो गई। दुर्गागंज पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेने लगी, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। आरोप है कि उस वक्त कोई महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। इसी दौरान ज्ञानपुर तहसील में तैनात शेरपुर गोपलाहा निवासी लेखपाल शैलेश चंद पांडे पहुंच गए और पुलिस कर्मियों से कहने लगे कि बगैर महिला कांस्टेबल आप महिला को हाथ नहीं लगा सकते। आरोप है कि इसी बात को लेकर लेखपाल शैलेश चंद पांडे की पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी और थाने लाकर भी बेरहमी से पीटा गया। पिटाई के दौरान जब लेखपाल की तबीयत बिगड़ गई तो पुलिस कर्मी आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने लेखपाल की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। इस बात की जानकारी जब साथी लेखपालों को लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। लेखपालों ने दुर्गागंज त्रिमुहानी पर चक्का जाम कर दिया, जहां थाना अध्यक्ष दुर्गागंज को एसपी भदोही ने लाइन हाजिर कर दिया है। दुर्गागंज पुलिस द्वारा साथी लेखपाल शैलेश चंद पांडे की पिटाई से जिले भर के लेखपाल आक्रोशित हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष कामेश्वरनाथ मिश्र व प्रभारी जिला मंत्री विमलेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लेखपाल ज्ञानपुर तहसील सभागार में जमा हुए, जहां बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि दुर्गागंज के दोषी पुलिस कर्मियों पर जब तक धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक लेखपाल संघ चैन से नहीं बैठेगा। साथ ही लेखपाल संघ ने यह चेतावनी भी दी है कि जिले के सभी राजस्व कर्मी पूर्ण रूप से शासकीय कार्य से विरत रहेंगे। साथ ही प्रशासनिक कार्य से बनाए गए सभी व्हाट्सएप ग्रुप से भी लिफ्ट होने की चेतावनी दे डाली है। बैठक के बाद बड़ी संख्या में लेखपाल जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। भदोही जिले के लेखपालों का गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा है। लेखपालों ने पुलिस विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।